टी20 वर्ल्ड कप 2024 लगातार जारी है। हर दिन कोई न कोई टीम बेहतर प्रदर्शन कर फाइनल में अपनी जगह बना रही है, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो वह अभी फिलहाल बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसा क्यों? आज बात करते हैं कि आखिर पाकिस्तान टीम क्यों कर रही खराब प्रदर्शन और टीम के ही खिलाड़ी क्यों सुना रहे बाबर आजम को खरी खोटी। नमस्कार, द खबरदार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दरअसल पाकिस्तान टीम का अभी टी20 वर्ल्ड कप में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रह रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान के लोगों के साथ साथ खिलाड़ी भी कप्तान बाबर आजम को खरी खोटी सुना रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान टीम से बाहर हुए अहमद शहजाद ने एक बार टीवी शो पर बाबर आजम को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि मैं किंग क्या करूं जो मैच ही नहीं जीतवा सकता। इस दौरान शो में जब अहमद शहजाद से पूछा गया कि अगर मैं बाबर आजम की जावेद मियांदाद से तुलना करूं तो, इस पर शहजाद ने कहा कि देखिए, जैसे हम क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जब से बाबर आजम कप्तान बने हैं हम बहुत औसत दर्ज के टीमों से हार रहे हैं। नीदरलैंड से हारे, वर्ल्ड कप से पूरे न्यूजीलैंड की टीम भी आई थी उससे भी हारे, और उसके बाद अब अमेरिका से भी हारे। शहजाद ने आगे कहा कि कल 120 का स्कोर था, या पूरी दुनिया को बोलते हैं कि यहाँ पर 150 वाली पिच है। अब 120 रन व प्लेयर जो पिछले 4-5 साल से टीम को संभाल रहे हैं और करता धरता है, टीम के सारे जरूरी फैसले लेते हैं, क्या उनका यह फर्ज नहीं बनता कि 120 रनों के स्कोर को खुद जिम्मेदारी ले और भारत के खिलाफ जो इतना अहम मैच था उसे फिनिश करे। इस क्रम में अहमद शहजाद ने बाबर आजम को और भी बातें सुनाई। बता दें कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2024 में लगातार हर टीम से हारते जा रहा है, जिस वजह से फाइनल में पहुंचना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गया है। अब देखना है कि अहमद शहजाद के इतनी खरी खोटी सुनाने के बाद क्या बाबर आजम निभाएंगे अपनी जिम्मेदारी, क्या पाकिस्तान करेगा अच्छा प्रदर्शन। ऐसे ही रोचक मनोरंजन और देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहे द खबरदार न्यूज़ और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।